आप देख रहे हैं कृषि दर्पण और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। खेती के मेन स्ट्रीम में इस वक्त क्या चल रहा है, ऐसे कौन कौन से छिपे हुए क्षेत्र हैं आपको जिनसे आज के वक्त में ज्यादा फायदा हो सकता है, खेती की पुरानी पद्धतियों में कौन से आधुनिक बदलाव किस तरह कब और कैसे करें, क्या क्या सावधानियां रखें और किन चीजों पर ज्यादा फोकस करें, ऐसे तमाम सवालों का जवाब है कृषि दर्पण। खेत नहीं फिर भी बने किसान, कम जगह में उगाएं सफेद फसल, कम लागत में मुनाफा ज्यादा, ओएस्टर संग रेशम का वादा। उत्तर प्रदेश का जिला वाराणसी यहाँ के छोटे स्तर के किसानों और युवाओं के बीच अपने रोजगार का जो जज्बा है वो इसे बड़ा बनाता है। यहाँ होरीलाल जैसे किसान नए प्रयोगों के दम पर अच्छी कमाई कर रहे हैं। होरीलाल बहुत कम लागत में काफी आसान तरीके से ओएस्टर मशरूम की खेती करते हैं। वो एक उदाहरण है ऐसे तमाम लोगों के लिए जो अपना खुद का रोजगार चाहते हैं। देखिए कैसे फायदेमंद है ओएस्टर मशरूम का व्यवसाय, जिसे आप भी काफी आसानी से अपना सकते हैं। मशरूम खाने के कई फायदे हैं। इसमें प्रोटीन, विटामिन डी, फाइबर, अमीनो एसिड, जर्मेनियम, सेलेनियम और जिंक जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। यही नहीं, ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ ही एंटीवायरल गुणों से भरपूर है। शाकाहारियों का मीट यानी मशरूम पौष्टिकता के मामले में किसी भी मेडिसिनल वैल्यू वाले खाद्य पदार्थ से कम नहीं है। इसमें भारी मात्रा में एंटीबायोटिक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर की जीवाणुओं से रक्षा करते हैं। इतना ही नहीं, ये खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी नहीं बढ़ने देता। यही वजह है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी ओएस्टर मशरूम की डिमांड बढ़ी है। फार्मास्यूटिकल्स वाले जो आयुर्वेदिक दवाएं बनाते हैं वो परचेज करते हैं, या बेकरी में जो यूज करते हैं उसका पाउडर बनाने के लिए वो ले लेते हैं। इसकी खेती करने में कम समय लगता है और उत्पादन बटन की अपेक्षा अच्छा होता है और यह 30 दिन के अंदर उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है। आपने एकदम सही सुना, बटन मशरूम की खेती से ज्यादा फायदे का सौदा है ओएस्टर मशरूम की खेती। इसके कई कारण हैं, जिनमें पहला कारण यह है कि इसके उत्पादन में कम लागत आती है और दूसरा कि कम समय में बटन मशरूम की अपेक्षा 3 गुना लाभ भी देती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपने 1-2 किलो के बैग को तैयार करने में होरीलाल को 30 से 35 रुपए खर्च आता है तो आपको 100 से 120 रुपए तक का मुनाफा होना कन्फर्म है। रूम में इस समय खेती कर रहे हैं और एक रूम से मुझे 2 से 2.5 क्विंटल तक मशरूम प्राप्त हो जाते हैं। तो एक बैग से मुझे 2 से 2.5 किलो मशरूम प्राप्त होते हैं। एक बैग का कास्ट मेरा 30 से 35 रुपए गिरते हैं और इससे उत्पादन मेरा 2-2.5 किलो यानी नियर अबाउट 150 से 200 रुपए तक का मुझे इससे प्रॉफिट होता है। इससे मैं 35-40 रुपए जो मेरे खर्च गिर रहे हैं जो बैगिंग और स्पैनिंग करने का, तो इस तरह से मुझे काफ़ी मुनाफा मिलता है। होरीलाल बताते हैं कि बटन मशरूम से अगर ओएस्टर मशरूम की तुलना करें तो न सिर्फ लागत कम आती है बल्कि इसका उत्पादन करना भी आसान है। जहां बटन मशरूम 2 से 3 दिन में खराब होने लगता है, वहीं ओएस्टर मशरूम आसानी से 3 से 4 दिनों तक टिकता है और फ्रिज में तो इसे 15 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ओएस्टर मशरूम खाने में स्वादिष्ट और सेहत में ज्यादा बेहतर होता है। दूसरी बड़ी खूबी यह है कि ओएस्टर मशरूम को सुखाकर आप साल भर बेच सकते हैं, वो भी बेहतर कीमत पर। अगर 10 किलो तैयार करते हैं तो 10 किलो सुखाने पर 1 किलो मेरा मशरूम होता है और इसका कीमत बाजार में 600 रुपए से लेकर के 700 रुपए तक होता है। ओएस्टर मशरूम बड़ी सरलता से घरों के बंद कमरों में उगाया जा सकता है क्योंकि इसके उत्पादन के लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ इसके उत्पादन तकनीक बेहद ही सरल और उत्पादन की लागत बहुत कम है, इसलिए ओएस्टर मशरूम का उत्पादन समाज का हर वर्ग छोटे से बड़े स्तर पर कर सकता है। इसका उत्पादन जुलाई से मार्च महीने तक आसानी से किया जा सकता है। जहाँ तापमान कम हो उस एरिया में इसे साल भर उगाया जा सकता है। पैकिंग
जिस समय मैं करता हूँ तो रात में भूसे को भिगो देता हूँ पानी में, उसमें फार्मिल और वेबेस्टीन प्रति 15 किलो भूसे में 100 ml फार्मिलिन और वेबेस्टीन से स्टरलाइज कर लेता हूँ। अगर केमिकल ना यूज करें तो उसकी जगह मैं भूसे को हीटिंग द्वारा उसको स्टरलाइज कर लेते हैं, क्योंकि भूसे में जीवाणु तरह तरह के बैक्टीरिया रहते हैं, उनको किल करने के लिए स्टरलाइज करना ज़रूरी है। और एक बैग में टोटल जो स्पान टोटल कंपोस्ट है वो 5 किलो के इर्द गिर्द रहता है और 125 से 150 ग्राम स्पान मिलाते हैं। होरीलाल बताते हैं कि ओएस्टर मशरूम 2 से 2.5 महीने की फसल है, लेकिन बेहतर उपज के लिए इस दौरान काफी सावधानी बरतने की भी दरकार होती है, यानी कि मशरूम घर की साफ सफाई का खास ख्याल रखना पड़ता है जिससे कि मशरूम में किसी तरीके का रोग ना लगे। जब माइसिलियम कवर कर रन कर जाते हैं, कॉम्पैक्ट बना लेता है मेरा बैग, उसके बाद बैग को फाड़ के हटा देते हैं, निकाल देते हैं, उसके बाद दूसरे दिन से मैं उस पर पानी स्प्रे करता हूँ नॉर्मल कि पूरा बैग चारों तरफ से ऊपर नीचे भींग जाए, और साथ ही साथ यह 4 दिन 5 दिन के बाद पिनिंग कंडीशन में आ जाता है और 7 से 8 दिन के अंदर मशरूम प्राप्त होते हैं। इस तरह ओएस्टर मशरूम का बिजनेस वैसे लोगों के लिए जिनके पास जगह कम है और पूंजी कम है एक बेहतर कमाई का जरिया है। इसकी विधि भी आसान है और पूरे साल इसकी खेती की जा सकती है। फिर क्यों नहीं आप ओएस्टर मशरूम की खेती शुरू करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रेशम की डोर किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है। किसान अन्य व्यवसायों के साथ ही रेशम उत्पादन के जरिए लाखों की आय कर रहे हैं। गोरखपुर जिले के इंद्रजीत भी इन्हीं में से एक हैं जिन्होंने रेशमी धागों से नाता जोड़कर अच्छी कमाई की। देखिए कैसे वो रेशम कीट पालन से अच्छा लाभ कमा रहे हैं। रेशम कीट पालन कर बहुत से किसानों ने अपनी जिंदगी को सुनहरा बना लिया है। छोटे मझोले किसान जो आर्थिक संकट का सामना कर रहे थे, उन परिवारों के लिए शहतूती रेशम पालन सार्थक आय का जरिया बन गया है, जिस किसानों की जिंदगी में बदलाव की बयार बही है। कुसमी जंगल गोरखपुर के रहने वाले इंद्रजीत भी इन्हीं में से एक है। रेशम पालन विभाग में मजदूरी करने वाले इंद्रजीत के परिवार का खर्च इस काम से नहीं चल पा रहा था, लेकिन उन्होंने मजदूरी के दौरान ही रेशम पालन की तकनीक सीखी और उन्हें आज रेशम कोकून बेचकर 60,000 रुपए की आमदनी हो चुकी है, जिससे परिवार के खर्च को चलाने में काफी मदद मिली है। देखिए, रेशम कीट पालन के लिए जो है रेशम फार्म पर हम लोग काम भी करते हैं, जैसे नवंबर से कटाई छटाई 15 नवंबर के बाद कटाई इसकी होती है, उसमें गुड़ाई भी होती है, उसमें रासायनिक खाद सिंचाई जो भी इत्यादि काम होती है, तो हम लोग बराबर उसमें काम करते रहते हैं। 50-55 हज़ार रुपया तो हम लोग का कुंसल रेशम से ले लेते हैं, इससे ऊपर हमें 70-80 हज़ार रुपया लमसम जो है कि हम लोग जो है कि मजदूरी इसमें पा जाते हैं। साल भर में लमसम हम लोग के 1 लाख रुपया तक हम लोग आमदनी से भरपूर इससे मिल जाती है। इंद्रजीत बताते हैं कि रेशम कीट पालन कोई भी किसान आसानी से कर सकता है। किसान धान गेहूं फसल के साथ भी रेशम पालन कर अतिरिक्त आमदनी कमा सकता है। जैसे अगर कोई किसान 1 एकड़ में मेड़ों पर भी शहतूत की खेती कर ले तो वो रेशम उत्पादन के जरिए 40 से 45 हज़ार रुपए की अतिरिक्त आमदनी कर सकता है। और अगर कोई किसान पूरे खेत में शहतूत की खेती मुख्य फसल के तौर पर करे तो उसे सालाना 1.5 से 2 लाख रुपए की शुद्ध आमदनी हो जाएगी, जबकि इस तरह की खेती करने पर उसे केवल 25 से 30 हज़ार रुपए ही खर्च करने होंगे। लागत बहुत कम है, माली धान गेहूं अपना गेहूं बो रहा है, उसके बगल मेड़ किनारे अपना जो है पौधा है उसमें 0 रुपए लाए, लागत कुछ नहीं है उसमें जो है कि पेड़ पौधा अपने बगल से लगा दिया, बीच में गन्ना बोया, गेहूं बोया है, आलू पिया, जो भी कुछ भी वो अपना भी पैदा लिया, बगल साइड से हमारा मेड़ से जो है कि इसमें भी पौधा लिया, एकत्रित भार जो है किसी के 40-45 हज़ार रुपये जो है कि सालाना उस किसान को आराम से मिल जाता है। जो 1 एकड़ किसान जो है कि केवल उसमें धान गेहूं गन्ना यदि नहीं बोया, केवल शहतूत के बाग लगाया है, तो उसमें जो है कि 1.5 लाख से 1.25 लाख रुपये तक जो है कि उसकी आमदनी हो सकती है, भरपूर आमदनी हो जाएगी, गारंटी के साथ आमदनी हो सकती है। शहतूत के पौधों में जब पत्तियां तैयार होने लगती हैं, तो फरवरी के महीने में इंद्रजीत रेशम कीट के अंडे ले आते हैं, जिसे एक खास तरह की ट्रे में विशेष विधि से रखते हैं। अब जब पौधों में पत्तियां तैयार हो जाती हैं, तो रेशम कीटों को खाने के लिए ये पत्तियां दी जाती हैं।
रेशम कीट को जिस घर में रखा जाता है उसे चाकी कहते हैं। इस कमरे में कीट के अंडे लाने के बाद तापमान का भी ख्याल रखना होता है, यानी जब कीट कमरे में हो तो तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड और ह्यूमिडिटी यानी नमी 75 से 80 फीसदी तक बनाए रखनी चाहिए। अगस्त महीना जुलाई अगस्त में जो है कि जैसा मौसम आ जाती है बरसात होने का समय लगता है तो उस समय यहाँ से हम लोग नर्सरी से पौधा अपना लोगों को उपलब्ध करा देते हैं। उपलब्ध कराने के बाद जो है कि 6 महीने के बाद वो कीट पालन कार्यक्रम उसमें पौधा में पत्ती आ जाती है तो 6 महीने के बाद कीट पालन कार्यक्रम वो चालू कर दे सकता है। एक ट्रे में 30,000 अंडे रखे जाते हैं। 600 अंडे के समूह को DFL कहा जाता है, यानी एक ट्रे में 50 DFL होते हैं। ट्रे में जैसे जैसे रेशम कीट की बढ़वार होती है उनका विभाजन करते रहते हैं। इस तरह एक ट्रे से शुरू हुआ ये सफर 100 ट्रे में तब्दील हो जाता है। एक ट्रे में हर दिन 1 किलो पत्तियां 4 बार डाली जाती हैं। पहला सुबह 6 बजे, इसके बाद 10 बजे, शाम 4 बजे और फिर चौथी बार रात के 9 बजे। और रेशम कीट का जीवन चक्र मात्र 27 से 28 दिन का होता है। भोजन के ऊपर में पत्ती जो है कि 4 बार पड़ती है, सुबह 6 बजे, फिर 10 बजे, फिर 4 बजे, फिर 9 बजे। कुल जीवन चक्र छोटे से लेकर के जो है कि 27-28 दिन का पूरा जीवन चक्र इनकी होती है। रेशम कीट में मोल्ट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रेशम कीट अपने शरीर की त्वचा को बदलते हैं। इस प्रक्रिया में रेशम कीट पत्ती नहीं खाते हैं। रेशम कीटों में लार्वा की 6 अवस्था में 4 मोल्ट होते हैं। जब रेशम कीट मोल्ट में जाने की तैयारी करते हैं तो कीट पालन ट्रे से पैराफिन पेपर हटा दिया जाता है। मोल्ट के बाद आती है माउंटेज स्टेज, जिसमें 48 से 72 घंटे रखने के बाद कीट कोए का निर्माण यानी कोकून बनाते हैं। माउंटेज स्टेज के लगभग 6ठे दिन जब प्यूपा का निर्माण हो जाए तो कोकून को छोड़ा जाता है, जिसमें से मरे हुए कीटों और खराब कोकून को छांट कर अलग कर दिया जाता है। ककुन देने के लिए विभाग ने एकदम गारंटी लिया है। विभाग हम लोगों के ककुन आराम से ले लेता है, उसके बाद तुरंत पैसा भी हम लोग जाता है। बंगाल से व्यापारी आते हैं, कलकत्ता से व्यापारी आते हैं, तुरंत हम लोगों का नगद भुगतान तुरंत दे देते हैं। इस तरह रेशम कीट का पालन साल में 6 बार किया जा सकता है। पहला फरवरी से अप्रैल के बीच 3 बार, दूसरा जुलाई से अक्टूबर के बीच 3 बार। 50 DFL से 60 किलो कोकून मिल जाता है, जिसकी कीमत बाजार में 300 से 500 रुपए प्रति किलो तक होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कृषि दर्पण में वक्त एक ब्रेक का, एक और अहम रिपोर्ट के साथ जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए कृषि दर्पण।
कभी मोटे अनाज के रूप में गरीबों का भोजन रहा मक्का, आज उद्योग जगत में भी अपना स्थान बना चुका है। इसकी मांग पूरी करने के लिए रबी और खरीफ दोनों मौसम में इसकी खेती करते हैं। इनसे अलग भी जायद मक्के की बुआई का समय भी है और इस समय स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की मांग ज्यादा होती है और इसी की खेती का सही वक्त चल रहा है। इसलिए स्वीट कॉर्न की बुआई के लिए खास तकनीकों का ख्याल रखें जिससे खेतों में बीजों का सही जमाव और अच्छी क्वालिटी के साथ भरपूर पैदावार मिले। तो आइए जानते हैं जायद में बोई जाने वाली सभी तरह की मक्के की उन्नत खेती के बारे में इस रिपोर्ट के जरिए। आज के दौर में आप कह सकते हैं मक्का का है जमाना दीवाना पक्का। जी हाँ, मक्के की इतनी सारी वैरायटी लोग अब इस्तेमाल कर रहे हैं कि इसकी डिमांड काफी ज्यादा है। मक्के का आटा, कॉर्नफ्लेक्स, पॉपकॉर्न, बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न जैसी चीजें आज हर दूसरे घर में इस्तेमाल हो रही हैं, जिनकी खेती कर किसान बम्पर कमाई कर रहे हैं। इनमें अलग अलग इस्तेमाल के लिए अलग अलग तरह की किस्मों के मक्के की खेती की जा रही है, जैसे स्वीट कॉर्न, जिसे मीठा मक्का भी कहते हैं, जिसे लोग भुट्टे के रूप में या उबाल कर खाना पसंद करते हैं। शहरों में हाई रेट के बावजूद इसकी मांग ज्यादा रहती है। शहर के अंदरूनी चौक चौराहों से लेकर हाईवे तक आपको भुट्टा के शौकीन मिल जाएंगे, इसलिए शहरों के आसपास के किसान इससे भरपूर लाभ उठा सकते हैं। जब से हमें स्वीट कॉर्न लगाना चालू किए हैं तो इसमें हमें ये लगा कि प्रॉफिट अच्छा है। तो जैसे पाँच एकड़ दस एकड़ के इसमें से खेती कर रहे हैं तो लगभग 7-8 लाख रुपए का इसमें उत्पादन होता है, जिसमें शुद्ध लाभ 4 लाख रुपए के लगभग, 4-5 लाख रुपए के लगभग प्रॉफिट हो रहा है। और स्वीट कॉर्न जब से लगाया है तब से काफ़ी हम लोगों को राहत महसूस हो रही है, क्योंकि ये एक एकड़ में 70,000 से 75,000 रुपए का हो जाता है, जिसमें 15,000 से 16,000 रुपए इसकी लागत आ जाती है, बीज, खाद, निदाई, गुड़ाई। यहाँ के भुट्टे काफ़ी अच्छे हैं देवरी के, जब भी हम लोग यहाँ से पास होते हैं यहाँ भुट्टे जरूर खाते हैं, काफ़ी लजीज और काफ़ी अच्छे हैं। स्वादिष्ट और नरम भुट्टे मैंने मीठे पहली बार खाए हैं और यहाँ मैं अब हर बार रुकूंगा। भला ऐसे भुट्टे वाले मक्के की खेती कौन नहीं करना चाहेगा। एक ही मौसम में उगाई जाने वाली ये फसल अब साल भर उगाई जाने लगी है। अभी जायद मक्का और स्वीट कॉर्न की बुआई का सही टाइम चल रहा है। भुट्टे के लिए ये फसल 60 से 70 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं स्वीट कॉर्न के लिए भुट्टों की तुड़ाई 55 से 60 दिन पर ही कर ली जाती है। खेत की तैयारी के लिए 2 बार गहरी जुताई करें। मिट्टी को जितना भुरभुरा बना लेंगे बीज के अच्छे अंकुरण के लिए उतना ही बेहतर होगा। मक्का के लिए गहरी काली मिट्टी जिसकी उर्वरता अच्छी हो सही मानी जाती है। मिट्टी का पीएच 6.5 से 7.5 के बीच रहना चाहिए। खेत तैयारी के समय 10 से 15 टन गोबर या कंपोस्ट डालें। जब धूप तेज होता है उसी समय इसको कल्टीवेटर से खेत की अच्छी तरीके से जुताई कर देना चाहिए। अगर नहीं किए तो कम से कम 7 से 8 बार इसकी जुताई अच्छे तरीके से देसी हल से करने के बाद फिर इसमें हमको जो हमारा गोबर की खाद जिसको फार्मयार्ड मैन्योर बोलते हैं वो डालना चाहिए। और जो हमारा इसका पीएच है 5.5 से 7 पीएच होगा तभी हमारा इसका खेत का मक्के का प्रोडक्शन हमारा अच्छा, क्योंकि हमारा ये नॉर्मल पीएच है, अगर इससे ज़्यादा या कम होगा तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिव के ऊपर भी इसका हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा। संकर किस्मों में गंगा 5, गंगा सफेद 2, गंगा 11, डेक्कन 101, डेक्कन 103, संकुल किस्मों में चंदन मक्का 1, 2 और 3, चंदन सफेद मक्का 2, HQPM 1 और HQPM 5 की बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा संकुल में सुवान या देव की वैरायटी, जबकि हाइब्रिड में पायनियर 35, 22 सहित कई किस्में हैं। स्वीट कॉर्न मक्के की खेती के लिए संकुल किस्म माधुरी की बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा प्रिया अल्मोड़ा स्वीट कॉर्न, ऑरेंज स्वीट कॉर्न, HSC 1, विन स्वीट कॉर्न जैसे किस्मों का प्रयोग भी किया जा सकता है। जो किसान पॉपकॉर्न मक्के की खेती करना चाहते हैं वे कृषि विशेषज्ञ द्वारा बताई जा रही किस्मों का चयन कर सकते हैं। मक्के की एक अन्य प्रजाति जो पॉपकॉर्न होती है उसमें भी वीएल अंबर पॉपकॉर्न, यह प्रजाति हमारे संस्थान द्वारा विकसित की गई है, जिसकी पॉपिंग कैपेसिटी 95% से ज़्यादा है, अर्थात
उसमें अधिकतर जो दाने हैं वे सभी पॉपकॉर्न के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। और जैसा किसान भाई जानते हैं कि मक्के और पॉपकॉर्न की कीमत में बहुत ज़्यादा अंतर है, तो वह पॉपकॉर्न वाला मक्का उगाकर और भी लाभ कमा सकते हैं। आम मक्के की खेती के लिए जहां 10 से 12 किलो प्रति हेक्टेयर बीज की जरूरत होती है, वहीं संकुल किस्म के मक्के की खेती के लिए 20 किलो प्रति हेक्टेयर बीज की जरूरत पड़ती है। वहीं स्वीट कॉर्न का बीज हल्का होने के कारण 10 से 12 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहता है। लेकिन अगर आप पॉपकॉर्न की खेती करना चाह रहे हैं तो बीज की मात्रा 12 से 14 किलो प्रति हेक्टेयर रखें, लेकिन बुआई से पहले बीजों का उपचार करना न भूलें। आइए जानते हैं बीजोपचार करने के तरीके के बारे में। सभी किसान भाइयों को बीज का शोधन करने के उपरांत ही बीज का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए 2 ग्राम थायरम जो रसायन है उसको प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज में भली प्रकार मिला लेना चाहिए। मिलाते समय किसान भाई हाथ में कुछ इस प्रकार का दस्ताना प्रयोग करें जिससे उनका हाथ सीधे रसायन के संपर्क में ना आने पाए। खाद उर्वरक सॉइल टेस्टिंग के आधार पर दें तो अच्छा है। वैसे मक्के में 90 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर देना उपयुक्त माना जाता है। दूसरी जुताई के समय ही 10 से 15 टन सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में मिला लें। पोटाश एवं फॉस्फोरस को तो जब हम दूसरी जुताई कर रहे हो पाटा लगाने से पूर्व, उसी समय गोबर की खाद के साथ मिलाकर खेत में डाल दें। जबकि नत्रजन को 3 भागों में हमें मक्के की फसल को देना चाहिए जिससे उपयुक्त समय पर पौधा नाइट्रोजन की आवश्यकता की पूर्ति कर सके। इसमें नत्रजन की 1/4 मात्रा तो अन्य खादों के साथ आधार खुराक के रूप में ही अंतिम जुताई के समय खेत में दी जा सकती है, जबकि बाकी बची मात्रा को 2 और खुराकों के रूप में 30 दिन उपरांत और उसके उपरांत पुनः 25 से 30 दिन उपरांत हम खेत में दे सकते हैं। मक्के की बुआई हमेशा लाइनों में करना सही रहता है, जिसके लिए अलग अलग किस्मों की बुआई के लिए अलग दूरी रखनी पड़ती है। ऐसा न करने पर उपज में कमी देखी जा सकती है। जनरली फार्मर लोग इसको ऐसे ही स्कैटर्ड रूप से इसको खेती करते हैं, लेकिन जब से कृषि विज्ञान केंद्र वहाँ 11-12 सालों से काम कर रहा है तब से लाइन सिस्टम वहाँ शुरू करा है। करीब 15 से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे प्लांटेशन करवाते हैं और 1.5 से 2 फीट के दूरी पर इसकी लाइन बनाई जाती है। ये कुछ डिपेंड करता है वहाँ के सॉयल कंडीशन कैसा है और वहाँ सनलाइट वगैरह के, उस हिसाब से थोड़ा सा डिस्टेंस कम या ज़्यादा इसको किया जा सकता है। पौधों की आपसी दूरी की जब हम बात करें तो लाइन से लाइन अर्थात कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर एवं पौधों से पौधों की दूरी 25 सेंटीमीटर रखना उचित है। वैसे तो जायद मक्के में 5 से 6 सिंचाई चाहिए, लेकिन जब रेशा निकलना शुरू हो और दानों की भराई शुरू हो तो उस वक्त खेत में नमी बेहद जरूरी है। वहीं खेत में खरपतवार हो तो उन्हें समय समय पर निकालते रहें। शुरुआत में 25 से 30 दिन तक इस फसल में खरपतवार नहीं होंगे तो फसल की अच्छी वृद्धि होगी, जिसका फायदा आपको ज्यादा उपज के रूप में मिलेगा। आप भी अगर इस तरह तकनीकों को अपना कर मक्के की बुआई करते हैं तो फसल से मिलने वाली अच्छी उपज से संतुष्ट हो पाएंगे। कृषि दर्पण, जी मीडिया। इसी के साथ कृषि दर्पण में फिलहाल इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात कृषि के कुछ नए आयामों के साथ। नमस्कार।